Hey guys, welcome back to another video. Friends, हमने क्या Amazon से एक वॉलपेपर मंगाया था जिसका मैंने दीवार पर चिपका कर आपको नहीं बताया था फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में इस वॉलपेपर को चिपका कर बताऊंगा और कहां ये लगाना चाहिए ये वॉलपेपर गाइस, इसे मैंने निकाल लिया कि कहां वॉलपेपर लगाना चाहिए और कहां नहीं लगाना चाहिए। तो गाइस देखिए, इधर आप देखिए इस साइड, ये साइड देखिए मेरी सीमेंटेड नहीं दीवार है, इस पे लगाएंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो और ये है चून लगा इसमें, अगर जिसमें चून या सीमेंट लगा गाइस उसमें यह चिपकता है। प्लीज मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश करूंगा इस दीवार को, तो प्लीज इस दीवार को दिखा दीजिए। तो गाइस ये दीवार, अगर आप ये वॉलपेपर इस पे लगाएंगे तो ये निकल जाएगा गाइस, मगर इस दीवार पर अगर आप लगाएंगे ये सीमेंटेड वाली पे तो आपका नहीं निकलेगा। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वॉलपेपर कैसे लगाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दीवार को जिसपे मैं वीडियो बनाता हूँ, इस दीवार को अगर जिस वॉलपेपर में चिपकाऊंगा उसको साफ कर लेना है। सबसे पहले मैं इसे साफ कर लेता हूँ, तो मैं इसे साफ करने वाला हूँ गाइस। एक कपड़ा लेना आपको, सूती या चादर, ये जो कपड़ा वो निकल जाएगा, तो पहले मैं इसे साफ कर लेता हूँ गाइस, यहाँ पर लगाऊंगा मैं। जितनी अच्छी तरह से आप पूछेंगे उतनी अच्छी तरह से होगा गाइस। देख सकते हैं तो फाइनली गाइस मैंने वॉलपेपर ले आया। उसके बाद आप इस जहां वॉलपेपर लगाना है गाइस आपको ये इसका माप ले लेना कितना आपको वॉलपेपर लगेगा। तो एक बंदे को मैं बुलाऊंगा कैसी और ये पकड़ने के लिए, तो आ जाओ भाई, आओ यार, थोड़ा हंस रहा है पर कोई बात नहीं, इधर पकड़े रहो। अब इसको मैं देख लेता हूँ कितना लगाना है साइज में, ऊपर से साइज में माप लेता हूँ गाइस। तो यहाँ से आपको टिक लगा देना है, जहाँ पे आपको काटना पड़ेगा गाइस, मैं यहाँ से अपना टिक लगा दे रहा हूँ। इसी साइड का तो फ्रेंड आप इसे काट लो, जहाँ ये टिक लगा दिए आप इसको नाप पे काटेंगे वो भी आरी से गाइस, आरी से मजाक कर रहा हूँ, इसे नाप पर बराबर के चिन्ह लगा के काट लिया। तो चलिए इसमें काट लेता हूँ, पकड़ो जल्दी से, मैं इसे काट लेता हूँ। मेरे पास स्केल नहीं दिया तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है, तो आप लोग स्केल का यूज करिएगा, जाने बन रहा है यार इसकी लाइन। मैंने इसका चिन्ह लगा दिया, मैं वहां से काट लूंगा इसे, तो चलिए मैं इसे काट लेता हूँ। अब तो ये कट गया, अब मैं इसे चिपकाने वाला हूँ, तो एक कपड़ा लेकर आऊँ घर से, तो गाइस इसे लगाना पड़ेगा, ऊपर से पकड़ना पड़ेगा, तेल की जरूरत पड़ेगी। अब मैं इस वॉलपेपर का जो पीछे का व्हाइट पेपर रहता है उसे निकाल कर और दीवार में लगाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसे लगाना शुरू करता हूँ, इसमें ग्लू या गम का कोई यूज नहीं, इसमें गम ऑलरेडी लगा रहता है। तो मैं इसे ओपन कर लेता, ऐसे ऊपर लेकर जाना है गाइस, ओपन थोड़ा थोड़ा करना है, तो ऐसे मैं थोड़ा ऊपर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा लगा लिया हूँ, अब मैं धीरे धीरे से ये आराम से नीचे का पार्ट जो होगा वो धीरे धीरे से ये निकालूंगा। ये थोड़ा चिपक गया है, तो अब मैं इसे नीचे का पार्ट थोड़ा छोड़ू नीचे से, तो गाइस थोड़ा चिपकने में देरी लगेगी, तो मैं ऐसे आराम से नीचे निकालूंगा इसका पार्ट वाइट वाला, धीरे धीरे आपको निकालना नहीं तो आपका फट ही सकता है। तो गाइस ये आपको धीरे धीरे से निकाल कर जाना, उसके बाद एक कपड़ा लेना गाइस और ऐसे ऐसे इस पे दीवार पर पुश करना है भाई लोग, और उसके बाद ये आराम आराम से चिपकता जाएगा। तो देख सकते हैं काफी अच्छी वाल लगने लगी है, तो अभी हम धीरे धीरे से और निकालेंगे, और थोड़ा ऊपर का नहीं चिपका फ्रेंड, मैं वहां पर साफ नहीं कर पाया था, तो आप लोग अच्छे से साफ कर लीजिएगा। तो अब मैं नीचे का थोड़ा निकालता हूँ आराम आराम से, आराम आराम से करना गाइस, इसमें ग्लू कम रहता है,
तो मैं आराम से निकालता हूँ। तो यहाँ पर पहले ऊपर पहले पोच करके रखना है, उसके बाद आराम से खींचना है। दो बंदूक से करिएगा या नहीं तो अकेले में खराब हो सकता है। तो चलिए, और जहाँ ये कपड़ा ऐसे करना हो नीचे की ओर करना है। आप देख रहे हैं काफी अच्छा दिखने लगा है मेरा आवाज, उन्हें जल्दी जल्दी से पूरा कर लेता हूँ। So guys, मेरा पूरा सेटअप रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ वॉल लगा दिया, पर गाइस नीचे नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पकड़ नहीं रहा था वॉल, इधर भी लगा दिया। अब मेरा जो ये थोड़ा गैप छूट गया गाइस, इसमें मैं अपना सेटअप रखने वाला हूँ। कुछ सामान है जो कि अभी मैं लाता हूँ। तो गाइस, मैं ये सब बॉक्स ले आया हूँ, इस बॉक्स को मैं इधर रखने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस बॉक्स को जल्दी से रख देता हूँ। तो ये और ये मेरा C11 का जो मेरा फोन है गाइस, ये मेरा उसका बॉक्स और ये पहले लावा का है जो मेरे पास पहले से पड़ा था। तो गाइस ये हो गया, अब बचा ये वायर। तो वायर को इसके अंदर डाल देता हूँ और ये मैं ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद गाइस अब ये सेल्फी स्टिक बचा जो कि मेरा, मैं इधर कर देता हूँ। तो गाइस मेरा सेटअप पूरा हो गया। गाइस ये वॉलपेपर है जो केवल 99 रुपीज में, केवल 99 रुपीज में आप बाय कर सकते हैं। पर गाइस एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपका ईंट वाला दीवार है और आप ऐसा बनाना चाहते हो मत बाय करिएगा क्योंकि वो ईंट पे चिपकता नहीं है। तो चलिए इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।